नमस्कार साथी, आप देख पा रहे होंगे हम लोग कहाँ मौजूद हैं। सचिवालय के बगल में है सर। अभी हम लोग सचिवालय में लगभग धरना स्थल हम लोग को चला चार बजे तक बाद सचिवालय में जब आए, बैठे बैठे हालत ख़राब हो गया। अब मिलने के लिए इधर बताइए ना, मिलने के लिए बहुत ट्राई मारे, बहुत कोशिश, एकदम नहीं मिल रहा है। स्टेट के नाम पर उसको जलन हो रहा है और ख़ास करके हमसे पूछा क्या कुंदन तुम ही ना है एकदम ऐसे। वो जो प्राइमरी डायरेक्टर तो पूछे ना कितना मनी मौजूद है डायरेक्ट, कुंदन तुम ही, तुमसे नहीं मिलेंगे, नहीं तुम्हारे अलावा कोई और भेजिए। क्या बोला बताइए। ये गए थे आदमी के निदेशक रवि प्रकाश जी, बोले हैं कि कुंदन जी बड़े नेता हैं, हम उनसे भेंट नहीं करेंगे। हमारी भीड़ आज कम थी तो सभी साथी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेकर आए हैं और उनसे भेंट करें तभी वो कुंदन जी को बात करने देंगे। हम बात करने गए हैं तो वो बोले हैं कि आप लोगों के सीटों का गणना चल रहा है। अच्छा, वो सोचिए कि कितना दहशत है उसको STET के काम पर, STET और ख़ास करके STET नहीं, इधर आओ पंकज भाई, इधर कहाँ तुम देखता है, STET के नाम पर इतना दहशत है विभाग को और ख़ास करके कुंदन से। सोचिए कि मेरा नाम से उसको दहशत है, नहीं क्योंकि हम चाहते हैं क्यूक डिसीजन, हम तुरंत दीजिए, नहीं वो छठा करके बाली फंसाए हुए हैं। छठा वही ना, बार बार पूछ रहे हैं छठा कब क्लियर कर रहे हो, तो अभी 3 महीना लगेगा छठा में, 3 महीना लगेगा और फिर 3 योजना का ही बचेगा, फिर कहेगा 3 महीना लगेगा। और हमको आज बात नहीं करने दिया गया, बोला कि कुंदन के अलावा कोई और बात करेगा सचिव डायरेक्ट। नहीं, वो बोल रहे थे कि कुंदन जी बड़े नेता हैं, ठीक है रहस्य नहीं, एकदम रियल में क्या बोला गया, नेता नहीं है हम, हमको इसीलिए नहीं मिलने दिया जाता है क्योंकि हम रिजिड हो जाते हैं कि अभी के अभी बहाली दो, और नहीं दोगे तो हम सूत जाएंगे, नहीं दोगे तो हम यहीं नहीं निकलेंगे। तो हम लोग मिलने नहीं जाते हैं, ये विभाग जिम्मेवार तो है ही है, सरकार जिम्मेवार तो है ही है, शिक्षा मंत्री जिम्मेवार है ही है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेवार STET अभ्यर्थी, उससे ज्यादा जिम्मेवार बोलो ना भाई, STET अभ्यर्थी उससे ज्यादा जिम्मेवार। अगर 1000 अभ्यर्थी आ जाता है, एक लाइन में लॉ शॉर्ट कर देते हैं, अगर 1000 अभ्यर्थी सचिवालय को घेर लेते हैं, मात्र 1000, तो हम नहीं मिलने जाते, वो मिलने को वो खुद आता शिक्षा मंत्री और कहते कि बिना मिलने हम नहीं जाएंगे, नहीं बिना तुम जब तक नहीं निकालोगे STET का बहाली और क्रमानुसार सीटेट का भी हम विरोध कभी नहीं किए हैं।